सवाड़ी एकेडमी बेसू में पहली बार सीनेजुरिया अंतर शाला रमत गमत स्पर्धाओं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। एलपी सवाणी एकेडमी वेसुनो प्रधानाचार्य अने तेमनी टीमो मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में टीमवर्क शिस्त अने खेलदिलीनी भावना जेवा मूल्यों विकास करवो जेथी प्रतियोगिताना माध्यमथी विद्यार्थियों ने पोताना खेल प्रदर्शन द्वारा तेमनी प्रतिभा कौशल्य ने वधारवानी तक मळे साथे अलग अलग स्कूलना विद्यार्थियों में एकता अने सहयोगनी भावना ने वधारवा माटे आ कार्यक्रम योजायो हतो। जेमा फूटबॉल बास्केटबॉल अने टेबल टेनिस जेवी रमतों में भगवान महावीर इंटरनेशनल हिल्स हाईस्कूल लांसर्स आर्मी रिलायंस फाउंडेशन रायन इंटरनेशनल एसडी जैन स्कूल एसबीआर महेश्वरी विद्यापीठ विब्योर हाईस्कूल एलपी सवाणी इंटरनेशनल पाल एलपी सवाणी विद्याभवन अडाजण स्कूल थी लगभग 350 विद्यार्थियों भाग लीधो हतो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र सवाणी, आई एम एलपी सवाणी ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड आई एम हियर टू अनाउंस दैट वी हैव स्टार्टेड टूडे our Synergia, that is inter-school competition of almost 12 schools, 12 CBSE schools in Surat. This is in our Vesu campus, LP Savani Academy Vesu campus, and almost 300 plus students have participated in basketball, football and table tennis game. And this is one of the best inter-school competition, I would say, because it's raining outside and students will enjoy the international level kind of the game. And yes, soon we are coming with a blast, that is CBSE cluster national competition. Yes, you have listened right, CBSE cluster national competition for yoga. And soon we'll be having it in our Vesu campus, LP Savani Academy Vesu campus. Thank you and have a great day. Sir, apne LP Savani pehle thi sports ne khub mahatva aapi rahi chhe, sa mate? LP sports, as you know, ke sports ane music ne e banne evi vastu chhe ke je एज्युकेशन साथ संकळायेलो हो जे स्पोर्ट्स पर्सन होने एज्युकेशन में भी खूब सारू करता है। घना लोग एज्युकेशन ने थोड़ो बहुत सारा स्पोर्ट्स हो पर्सन हो तो एज्युकेशन ने थोड़क लोअर आपता है, बने सिंक्रोनाइज है। एट्ले फिटनेस जे है, जे मोदी सरनो हेतु है कि फिट इंडिया हिट इंडिया, तो एना माटे ते अमारू एज्युकेशन नी साथे साथे स्पोर्ट्स नु महत्व एटलू अमे आपीए छीए। खेल महाकुंभ में अपना छोकराओ पार्टिसिपेट करे छे, नेशनल्स में पण करे छे, अने एमां घणा बधा प्राइजिस पण लावे छे। अने ऑलमोस्ट अमारी जे सिक्स स्कूल्स छे एलपी सवानी नी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, तो अमे बधा अलग अलग एरिया में, जेम के अडाजन ब्रांच में हॉकी, वेसू में तो टेबल टेनिस, योगा, अने एवी रीते पालमा एलपी सवानी जे छे एमां आपणे स्केटिंग छे के शूटिंग हमना चालू कर्युं छे, कूडो छे, तो आ बधी डिफरंट डिफरंट एरियाज में डिफरंट डिफरंट स्पोर्ट्स में अमे अलग अलग स्कूल में थी अमे टीम तैयार करीए छे। नमस्ते एवरीवन, मैं मोटुशी शर्मा, प्रिंसिपल एलपी सवानी एकेडमी वेसू। आज हमने यहाँ पे सिनर्जिया कॉम्पिटिशन रखा है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 12 स्कूल आए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 300 बच्चे हैं। यहाँ पे हमने आज बास्केटबॉल, फुटबॉल और टेबल टेनिस का कॉम्पिटिशन रखा है। हम सब बहुत एक्साइटेड है, साल का पहला इवेंट है हमारा और फर्स्ट टाइम हमने सिनर्जिया के नाम से इसको लॉन्च किया है। सिनर्जिया मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव एनर्जी, तो इसी उम्मीद के साथ कि यहाँ पे सब एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे और बहुत अच्छे के साथ बच्चों को सिर्फ हमारे स्कूल के नहीं बाकी सारे यहाँ के सारे स्कूल के बच्चों को भी एक अच्छा सा मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का, अपना पोटेंशियल आगे लाने के लिए। किस तरह से फैसिलिटीज हमें यहाँ डेवलप की है जिससे बच्चे को अच्छा यहाँ खेलने के लिए मिल सके? जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, ऑलरेडी ये टेबल टेनिस का कोर्ट है हमारा, तो यहाँ पे एक साथ में हमारे पास 10 टेबल्स हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं। हमारे पास टर्फ की फैसिलिटीज़ है जहाँ पे फुटबॉल हो रहा है हमारा, और बास्केटबॉल का ग्राउंड भी है जो आप देख सकते हो जब हम आगे जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और बच्चों के लिए हमने आज पूरे दिन का प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से हमने उनके लिए स्नैक्स वगैरह और जो प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो कोचेज़ हैं हमारे वो हमने बाहर से लाइक उनको बुलाया है, वेलकम
खत्म किया है ताकि कोई बायसनेस नहीं हो, किसी को ऐसा नहीं लगे कि एलपीएस से बायस था। तो हमने कोचेस भी हमने बाहर से बुलाए हैं ताकि बच्चे एक ना एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट के साथ वो आगे बढ़े और अपना खेल का अपना प्रतिभा सामने लाए। अभी जो ओलंपिक हुआ और आप यहाँ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, दोनों में आप क्या देख रहे हैं? ओलंपिक में जो हमने देखा कि हम आगे तो बढ़े हैं बट फिर भी हम बहुत पीछे हैं। तो आई थिंक एज ए स्कूल, स्कूल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यही से बच्चे आगे जाते हैं। तो जहाँ पे बच्चों को खुद को पता चलता है कि उनका स्किल्स कहाँ पे स्ट्रांग है, तो वो भी उस हिसाब से कुछ पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। तो आई थिंक स्कूल एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ से हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चे वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो ये आई थिंक ये एक कोरिलेशन शुरुआत है, हर एक स्कूल एक शुरुआत करता है ताकि अब उनके बच्चे एक जगह पे पहुंच पाए। तो उम्मीद है कि हमारे देश के बच्चे भी कहीं ना कहीं से और कभी ना कभी शायद एलपीएसए के बच्चे भी ओलंपिक में पहुंचे। परेश मारू, जन साक्षी न्यूज़, सूरत।